हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मोबाइल टाई। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन सा फ़ोन आपको उठाना चाहिए, कौन सा फ़ोन नहीं उठाना चाहिए, आईमी नंबर को कैसे चेक करना चाहिए, फ़ोन के साथ क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो वो इस बारे में बहुत भाई ने मुझे कमेंट किया कि भैया एक वीडियो लाइए कि कितना बजट होना चाहिए तो ये बिजनेस कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी बारे में है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इस चैनल में हमेशा आपको फ़ोन का अपडेट मिलेगा, सेकेंड हैंड फ़ोन का बिजनेस का अपडेट मिलेगा, फ़ोन को कैसे उठाना चाहिए या फ़ोन कौन सा फ़ोन आपका चलते बेस्ट है अंडर 5000, 10000, 20000 तक, कौन सा फ़ोन गेमिंग फ़ोन है, सब कुछ आपको प्रूफ के साथ मिलेगा इस चैनल पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दिल्ली के एक भाई ने मुझे कॉल किया, कॉल करने के बाद बोला कि भैया फ़ोन का बिजनेस कैसे किया जाए। और बहुत सारा भाई ने मुझे कमेंट किया कि भैया कोई भी वीडियो बनाइए कि फ़ोन का बिजनेस कैसे किया जाए, कितना बजट होना चाहिए। तो देखिए, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उसका प्लेटफॉर्म के बारे में आपको पता चलना चाहिए कि आप लोग उस प्लेटफॉर्म पर जा रहे हो तो आपका उसमें कितना लॉस है, कितना आपको इन्वेस्ट करना है, कितना आपका बजट होना चाहिए। तो पहले शुरू आपको उतना बजट लेकिन नहीं उतरना है, उतना अमाउंट आपको उस बिज़नेस में डालना नहीं है, क्योंकि उस बिज़नेस में आपको लॉस भी हो सकता है। समझ लीजिए कि कोई भी दुकानदार के पास आप गए, जाके उसको बोले कि भैया मेरे पास 4-5 लाख रुपया है तो आप 4-5 लाख का मुझे फ़ोन दे दीजिए, तो उस दुकानदार आपको क्या करेगा? उसको पता चल जाएगा कि इसका तो उतना नॉलेज नहीं है, चलो 5 का मोबाइल इसको 7 में देते हैं, 7 का मोबाइल इसको 8 में देते हैं, 8 का मोबाइल 9 में देते हैं, ठीक है। तो वो आपको 4-5 लाख का मोबाइल आपको दे दिया। देने के बाद आप वो फ़ोन लेकर आ गए, तो जिसका मार्केट का वैल्यू है 8000 रुपया, आपको वो बंदे ने दिया आपको 9000 रुपया में, तो आपको कितना दाम रखोगे? आप दाम रखोगे उसका 10000 रुपया, तो क्या कोई कस्टमर आपसे लेगा? कोई कस्टमर आपसे नहीं लेगा भाई, क्योंकि उसको पता है कि इसका मार्केट वैल्यू कितना है, लेकिन आपको भी पता नहीं है कि इसका मार्केट वैल्यू कितना है, तो आप कैसे बेचोगे उसको? वो बंदा कभी भी आपसे फ़ोन नहीं लेगा। अगर ले भी लेता है, अगर वो आपसे फ़ोन ले लेता है, उसका उतना नॉलेज नहीं रहता है, वो समझ लीजिए वो फ़ोन आपसे 10000 रुपये में ख़रीद भी लिया है, तो क्या वो दूसरा बार आपके पास आएगा आपका दुकान पर? कभी नहीं आएगा वो, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि इस दुकान पर रेट ज़्यादा रहता है, लेकिन ये आपका फॉल्ट नहीं है, क्योंकि आपको दुकानदार ने आपको ज़्यादा दाम पर दिया है। तो आपको क्या करना है? आपको छोटा से छोटा फ़ोन उठाना है, कोई भी छोटा से छोटा फ़ोन उठाना है, लेकिन आपका फ्रेंड सर्कल में हो या रिलेटिव सर्कल में हो या आपका मोहल्ला के सर्कल में कोई भी हो, उससे आपको फ़ोन उठाना है। पहले शुरू आपको उससे फ़ोन उठा के आपको बेचना है, दुकान दुकान में आपको बेचना है, दुकान से बात करना है कि हम फ़ोन लाएंगे तो आप ले लोगे, तो अगर वो दुकानदार बोलते हैं हाँ ले लेंगे, तो उसके पास फ़ोन लेके जाना। समझ लीजिए कि कोई फ्रेंड आपको कोई फ़ोन बेचना चाहता है, ठीक है, उसने बोला आपको कि भैया ये फ़ोन हमको बेचना है, कितना में बेचेंगे, ठीक है। तो आप उससे फ़ोन लिए, लेने के बाद कोई दुकानदार को कॉल किए, दुकानदार को कॉल करने के बाद बोले कि भैया एक फ़ोन है, ये कंपनी का फ़ोन है, ये मॉडल है, तो ये फ़ोन का वैल्यू कितना है? वो समझ लिया आपको 4000 रुपया वैल्यू दिया वो फ़ोन का, तो आपको उसको कितना देना है? आपको उसको 3500 रुपया देना है, 3500 उसको देना है कि देखिए ये फ़ोन का वैल्यू आपका 35 है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? वो अगर आपको दे देता है, ठीक है, आपको अगर दे दिया फ़ोन, वो फ़ोन को आपको दुकानदार को दे देना है 14000 में, मैंने 4000 रुपये में उसको दे देना है, तो आपको 4-500 रुपया प्रॉफिट हो गया है। ऐसे कर करके आपको नॉलेज बढ़ाना है। जब आपका ये नॉलेज हो जाएगा ना, तब आपका माइंड खुद बोलेगा कि हाँ ये फ़ोन उठाओ, ये फ़ोन नहीं उठाओ, ये फ़ोन उठाने से आपका प्रॉफिट होगा, ये फ़ोन उठाने से आपका लॉस होगा, क्योंकि हर फ़ोन का रिसेंट वैल्यू होता है और हर फ़ोन का मार्केट वैल्यू कमते रहता है, बढ़ते रहता है। समझ लीजिए कोई फ़ोन का वैल्यू आज है 30000 रुपया, तो कल उसका दाम 28000 भी हो सकता है, 25000 रुपया भी हो सकता है, एक दिन के बाद ही उसका वैल्यू कम सकता है, क्योंकि अभी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में देखिएगा कि बीच बीच में आपको ऑफ़र दे दिया है। समझ लीजिए कोई फ़ोन आप 30000 रुपये में परचेज़ किए हैं, उसका नया में दाम था 45000 रुपया, आपको मिल गया 30000 रुपये में, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में आपको ऑफ़र दे दिया कि नया में दाम है आपका 30000 रुपये में, क्या आपका फ़ोन वो 30000 में बिक्री हो जाएगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि उसका मार्केट वैल्यू कम गया। तो आपको चाहिए कि कोई भी फ़ोन उठाइए, उससे पहले आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा फ़ोन का डिमांड रहेगा, कौन सा फ़ोन का डिमांड नहीं रहेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, पहले शुरू आप अपना अमाउंट बढ़ाइए, अमाउंट बढ़ाने के बाद उसका बाद
आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करने के बाद आपको एक बिल छपाना है, कोई भी बिल आप छपाइए अपना दुकान का। अगर आप दुकान कर लिए तो बहुत अच्छा है, अगर आपका दुकान नहीं है तब भी आप बिल छपाइए या कोई भी एक कार्ड बनाइए कि आप सेकेंड हैंड फ़ोन का बिजनेस करते हो, सेकेंड हैंड फ़ोन बेचते हो। तो इससे क्या होगा कि आप अगर वो कार्ड अपना फ्रेंड लोग को दोगे तो वो लोग का दिमाग में रहेगा कि हाँ मेरा एक दोस्त सेकेंड हैंड फ़ोन का बिजनेस करता है। अगर आपका पास कोई शॉप है, अगर शॉप ओपनिंग करना चाहते हो तो पहले शुरू तो आप अपना बिल बनाइए। बिल बनाने के बाद अगर कोई फ़ोन आप ख़रीद रहे हो तो उसका हर चीज़ आपको एंट्री करके रखना है, हर चीज़। ये मॉडल नंबर है, इस बंदे से मैंने फ़ोन उठाया, ये मॉडल नंबर है, ये आईमी नंबर है, इसका इतना में उठाया है। अगर आप सेल कर रहे हो तो भी आपको एंट्री करना है, ये फ़ोन को इतना में बेचे हैं, ये फ़ोन इसको बेचे हैं, इसका फ़ोन नंबर इतना, ऐसे करके आपको हर चीज़ आपको एंट्री करके रखना है। हम लोग भी हर चीज़ एंट्री करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे कि उसका सलूशन कैसे निकाला जाए। और एक बात, आप लोग ने बहुत सारा बंदे ने मुझे कमेंट किया कि भैया आपका नया वीडियो कब आ रहा है, स्टॉक का वीडियो कब आ रहा है। तो देखिए अभी लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा स्टॉक हम लोग नहीं ला रहे हैं, लेकिन स्टॉक है, देखिए बहुत सारा स्टॉक अभी है। इस वीडियो में स्टॉक भी आपको दिखला देंगे और स्टॉक का वीडियो भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, बहुत जल्द आपको अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। Boom.